गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास प्रेप। टेक आउट योर इंग्लिश एक्टिविटी बुक एंड ओपन द पेज नंबर 13। क्विकली ओपन योर पेज नंबर 13 इन एक्टिविटी बुक। नेम दीज पिक्चर्स। देखिए पिक्चर बनी है, उनके नेमिंग करने हैं। इसको सब बच्चे अपनी कॉपी बुक में उतार लीजिए। ओके, सब बच्चे इसको पॉज करके उतार लेंगे। नाउ ओपन द पेज नंबर 15। 15 कंप्लीट द स्पेलिंग्स। इधर पिक्चर्स की स्पेलिंग लिखी हैं विद ब्लैंक्स, तो आपको वो स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट स्पेलिंग लिखी है, आपको वो स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। ओके, एंड योर पेज नंबर 14 वो 13 के जैसे है, सेम आप लोग उसको अब कर सकते हैं, क्योंकि 13 आपको CW में करा दिया गया, इसलिए HW आपका 14 नंबर पेज है। इसी तरह पेज नंबर 16 आपका होमवर्क है, कंप्लीट द स्पेलिंग। इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ टेक आउट योर मैथ्स एक्टिविटी बुक। ओपन द पेज नंबर 16। 16 एडिशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या हो गया है, एडिशन किया हुआ है, ठीक है। 0 to 4 एट 4, 4 में 4 को प्लस करना है। तो देखिए हम लोग 0 से 4 तक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 0 से 4 तक जब हम लोग लाइन खींचेंगे तो 0 को काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग खींचेंगे 4 टू 4 और प्लस करना है, तो 5, 6, 7, 8। बट हम लोग लाइन कहाँ से खींच रहे हैं, 4 से ही, ठीक है। कर्व बनाया है, 4 + 4, 8। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5, तो 0 से आप लोग 5 पर चले गए। 5 में कितने नंबर हमें और प्लस करने हैं, 4, तो 6, 7, 8, 9 4 नंबर हो गए, 9 तक आप लोग कर्व ले जाएंगे। देन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट इसी तरह 6 है, 6 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 7। ओके, कर्व देखिए हमको लेके जाना, नंबर लाइन बनी हुई है, एक स्केल बना हुआ है, उसमें 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। इसी तरह हम पहले 8 तक जाएंगे, फिर 1 नंबर और लेना है, तो वो कर्व कहाँ चला जाएगा, 9 में। 8 + 1, 9। पेज नंबर 16 को ध्यान से देख के सब बच्चे करिए। ओके, एंड पेज नंबर 17 इज योर होमवर्क। पॉज कर करके सब बच्चे पहले अपना CW HW कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ टेक आउट योर बुक स्वर तरंग। आज हम लोग स्वर तरंग से, स्वर तरंग का चैप्टर 1 रीड करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है, आइए पढ़ें। अमात्रिक शब्द। अमात्रिक मतलब जिन शब्दों में मात्रा नहीं लगी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमात्रिक शब्द। देखिए इसमें लिखा भी है, जिन शब्दों में मात्रा नहीं लिखी लगी होती, मात्रा भी है इसीलिए आपको नहीं पढ़ाई गई है। आ से आह तक कई सभी मात्राएं हो, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ाई गई है, अभी आपको सिर्फ अमात्रिक शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों अक्षरों से मिलने से शब्द बनता है, और दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अक्षरों से, तो पहले हम लोग दो अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। नीचे दिए गए बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़िए और समझिए। सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, रा सा रस, बा सा बस, रा सा रस, बा सा बस, का सा कस, ना सा नस,
डासा डस फासा फस कामा कम। इसी तरह नीचे है दामा दम चामा चम रा मा रम। सब बच्चे मेरे साथ पढ़िए, हा मा हम गा मा गम गाला गल पाला पल पल जाला जल नाला नल खाला खल टाला टल। ये मिलते जुलते शब्द होते हैं, ठीक है। घट घाटा घट पाटा पट, ठीक है। रागा रग नागा नग शाटा शट राटा रट ताटा तट नाटा नट पागा पग ठागा ठग। नीचे देखिए ये पिक्चर बनी है वैन की, बस की, जो भी है। इसको दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरिए, आप लोग इसको कलर कर लीजिएगा, ठीक है। अब और नीचे आते हैं, नीचे दिए गए नीचे तीन अक्षरों से बने बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़िए और समझिए। अभी हमने दो अक्षर वाले पढ़े, अब हम कौन से पढ़ेंगे, तीन अक्षर वाले। शाहरा शहर ठहरा ठहर पारा पहर कहरा कहर जहरा जहर कमाला कमर। देखिए जहर तक सब शब्द मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, हरा हरा सब में लिखा है। इसको एक मेल वाले शब्द भी कहते हैं या मिलते जुलते शब्द हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कामाला कमल आमाला अमल दामाला दमल सामाला समल जामाला जमल। देखिए सब में माला 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 लिखा है। अब आगे आइए, आटा का अटक साटा का सटक बाटा का बटक माटा का मटक भाड़ा का। अब देखिए रटक तक सब एक जैसे हो गए, अब आगे पढ़ेंगे। भाड़ा का भड़क धाड़ा का धड़क साड़ा का सड़क काड़ा का कड़क, एक तरीके के। चामा का चमक नामा का नमक लामा का लमक झमा का झमक, सब मा का एक जैसे हो गए। अब फिर से पढ़ेंगे, मादाना मदन बादाना बदन आदाना अदन सादाना सदन वादाना वदन, ठीक है। टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 4। देखिए क्या दिया है, क्या है नीचे दी गई जगह में तीन अक्षर वाले पांच शब्द याद करके लिखिए। देखिए एक मेल वाले शब्द जितने होंगे आप पांच शब्द लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसी तरह देखिए चार अक्षर वाले हैं, अब चार अक्षर वाले हम लोग पढ़ते हैं। बचपन बचपन अचकन अचकन आन शन अनशन पचपन पचपन बर गद आम जद अस जद दम कल सर गम झम झम शब नम अन बन खट मल दम कल कट हल मल मल। इसी तरह और शब्द दिए। अब आप लोग सी डब्ल्यू में ऐसा करिए, पांच तीन अक्षर वाले शब्द लिखिए। मैंने लिख दिए हैं लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी को नहीं आ रहा तो वो कॉपी कर सकता है। और नीचे आइए, आओ कुछ करें। नीचे बिना रंगों के कुछ चित्र दिए, उनमें रंग भर दीजिए। बच्चों कोई भी पिक्चर अगर वाइट कलर का होता है, अगर हम उसमें कलर कर देते हैं तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है और सुंदर लगने लगता है। पहला चित्र किसका बना है बताइए सब बच्चे, अच कन का। दूसरा है शल जम का। तीसरा है थर मस का। अब अभ्यास कार्य पेज नंबर 5। नीचे दिए गए गई खाली जगह में दो दो अक्षरों के शब्द लिखिए। ये देखिए खाली जगह दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ दो दो
अक्षर वाले 5 शब्द लिखने हैं। आप लोग को याद हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो फिर से उसको फर्स्ट पेज को रीडिंग करके आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके नीचे देखिए क्या है दूसरा टॉपिक, चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। बहुत आसान है, जो जो चीज़ का चित्र है उसका नाम लिखा है, नाम ऐसे लिखें कि अब आप इनको पढ़ सकते हैं। बरगद, नमक नमक, नाला नल, जाला जल, कामाला कमल, टामा टाम टम टम। ठीक है, इसमें आपको लिखना नहीं है, आपको मैचिंग करना है। जिस चीज़ का पिक्चर है, जिस जो बना हुआ है उसको उसकी स्पेलिंग से, शब्द से मिला देना है। ओके, क्लियर। नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। नीचे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, वो आधे अधूरे हैं, उनको आपको उनकी स्पेलिंग पूरी करनी है, वो शब्द को आपको पूरा करना है। अक्षर दिए हैं, अभी वो शब्द नहीं बना है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अक्षर ऐड कर देंगे, कुछ अक्षर को लिख देंगे जिसका मतलब निकले, तो ये एक शब्द बन जाता है। ठीक है, दी गई खाली जगह में 3-3 अक्षर लिखिए। देखिए खाली जगह है, इसमें आप 3 अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स, बच्चों की बुक में आप इस काम को कराइए। ये वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, इसमें आंसर दिए हैं, ये आपके लिए कि आप बाद में चेक कर सकते हैं, या इसकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का कुछ अर्थ निकले। ठीक, नाउ टेक आउट योर हिंदी एक्टिविटी बुक। सब बच्चे अपनी हिंदी एक्टिविटी बुक निकालेंगे। सुलेख, सुलेख का मतलब सुंदर लेख, सुंदर राइटिंग, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग। सुलेख, ये देखिए आ बा आव रा था रथ हाला हल पाला पल दा सा दस फाला फल, ये 2 अक्षर वाले शब्द लिखे, इनको आप 2-2 बार और लिखेंगे और बहुत सुंदर से। सुलेख, सुलेख का मतलब सुंदर लेख। नेक्स्ट CW में देखिए क्या है, चित्र देखकर शब्द लिखो। पहला चित्र ध्यान दीजिए सब बच्चे, तो ये चित्र घारा घर का है, मैंने घर लिख दिया है, आप लोग भी लिख लेंगे। दूसरा चित्र है, देखिए खत बना है, खाता खत। तीसरे चित्र में छत बनी हुई है, पूरा घर नहीं बना है, केवल छत बनी है, तो छाता छत। तीसरा चित्र देखिए, जागा जग। चौथा चित्र जो है वो नाला नल का है। पांचवा चित्र, छठा चित्र जो है वो टाबा टप का है। सब बच्चे इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिए, सब बच्चे इसको उतार लीजिए। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क पेज नंबर 16 और 17। चित्र देखकर शब्द लिखो, ठीक है। स्वर लेख में अभी मैंने आपको 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ाए हैं, अगर आपको देखना है तो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पेज, पेज नंबर 16 और 17 इज योर होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ गिव मी द आंसर योर चैप्टर 1 फ्रॉम कॉन्वर्सेशन बुक। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, What does your mother do? My mother is a. Where does your father work? My father work in a. जो भी उनका occupation है। How many brothers do you have? I have. जितने brothers आपके हैं आप इसको लिख सकते हैं। How many sisters do you have? I have. जितनी भी sisters हैं आप इसको लिख सकते हैं। How old are you? I am 5 years old, 6 years old, जो भी आपका आंसर होगा उसको बताइएगा। When is your birthday? I told mothers कि वो अपने बच्चों से आंसर सुन लीजिए। When is your birthday? My birthday is on
सो एंड सो, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, माय डेट ऑफ बर्थ इज सो एंड सो, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन, जो भी आपका आंसर है, आई लिव इन अलाहाबाद, व्हाट इज़ योर एड्रेस, माय एड्रेस इज झलवा कालिंदीपुरम राजरूप वट एवर इट इज़, व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर, माय टेलीफोन नंबर, बच्चों सब बच्चों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर टेलीफोन नंबर लर्न होना चाहिए, माय स्कूल, व्हाट इज अ स्कूल, माय स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी प्ले एंड लर्न, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हम खेलते और सीखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, माय स्कूल नेम इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल, Who is your principal? Our principal is Mrs. Kamaljeet Kaur. What is your teacher's name? My teacher's name is Miss Nandita Singh. In which class do you study? I study in class prep. How many children are there in your class? There are 35 children in my class. What is your classroom like? My classroom like लार्ज एंड एयरी, आर देयर एनी पिक्चर्स ऑन द वॉल, यस देयर आर मैनी ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज सो एंड सो, जो भी बेटा उसका नाम हो, हाउ मस्ट यू कीप योर क्लासरूम, आपको अपनी क्लासरूम को कैसे रखना चाहिए, आई मस्ट कीप माई क्लासरूम नीट एंड टाइडी, हम लोग को अपनी क्लास को नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, आई मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स, हम लोग को वॉल्स पे नहीं लिखना चाहिए, आई मस्ट थ्रो वेस्ट पेपर एंड द गार्बेज ऑफ योर पेंसिल स्क्रब इन द डस्टबिन नॉट ऑन द फ्लोर, How do you come to school? I come or go to school by van, by scooty, by bike, whatever it is. What do you carry in your school bag? School bag में आप क्या क्या लाते हैं? We carry textbooks, exercise books, a pencil box, colored crayon, or our tiffin in the school bag. What do you learn in the school? I learn many things in the school. I learn to read, write, do sums and draw. I learn to play with other children. I learn good habits and good manners. Okay, clear? Are there any swings in your school? Yes, there are many swings in my school. Which game do you like to play in the school? I play hide and seek, ringa ringa roses and many other games. Which game do you like the best? I like dash in the best. Do you like your school? Yes, I like my school very much. Who is he? Children, look at the picture and answer me. Who is he? He is our Prime Minister, Mr. Narendra Damodar Das Modi. Okay? And who is he? He is our Chief Minister of Uttar Pradesh. Okay? He is the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. Okay, good day, children.